का जब आगमन हुआ तो उन संतों की सभा में बड़े बड़े संतों ने, स्वामी विवेकानंद जैसे महान संतों ने ये घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि विचार क्रांति का प्रलय आएगा। जिस दिन भारत की महिलाएं, कई लोग कई कथावाचक मंच से कहते हैं ना, महिलाओं को व्यासपीठ का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वेदों का अधिकार नहीं, महिलाओं को जनेऊ का अधिकार नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट रूप से ये कहता है कि विवाह से पहले हरेक कन्या का यज्ञोपवित जनेऊ संस्कार होना आवश्यक है, और जिसका जनेऊ संस्कार होता है उसको वेदों का अधिकार है, और जिन महिलाओं को जनेऊ और वेद का अधिकार है उन महिलाओं को गायत्री मंत्र का भी अधिकार है, और यज्ञाचार्य बनकर यज्ञ करने और कराने का भी अधिकार है। कहां इस चक्कर में लगे हैं लोग कि किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है, किसको कराना चाहिए और किसको कराना नहीं चाहिए। कितनी बहनें, कितनी बेटियां व्यासपीठ पे बैठकर कथा सुना रही हैं, कितनी बहनें हर जाति समाज और वर्ग की गायत्री यज्ञ करा रही हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करा रही हैं, अश्वमेध यज्ञ का संचालन कर रही है, करा रही है, जनेऊ स्वयं धारण कर रही है, जनेऊ धारण करवा के दीक्षा भी ये बेटियां समाज की दे रही है। कौन कहता है रोशन समाज केवल चिरागों से होता है, बेटियां भी समाज को रोशन करती हैं। अब ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इस पर प्रश्न नहीं रह गया, अब तो बहनें कर रही हैं और करा भी रही हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि एक ही लक्ष्य है उस परिवार का, शांति कुंज धाम मनाया, हरेक जाति वर्ग के लोगों को जनेऊ धारण कराया और हरेक व्यक्ति को गायत्री मंत्र देकर सबको ब्रह्मत्व की प्राप्ति का, एक आत्मा का जो नित्य मुक्त स्वतंत्र अधिकार है परमात्मा की भक्ति करना, उस अधिकार को उन्होंने सबको बराबर रूप में सबको बराबर समझ के दिया। ऐसे ऐसे शांति कुंज धाम, बोले शांति कुंज द्वार की जय, ऐसे शांति कुंज धाम की स्थापना कर दी जहाँ से परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और युग निर्माण की बातें चलती है। और वो केवल क्या है, मानव को मानव बनने का संदेश देती है कि उन्होंने क्या कहा कि दुनिया के बदलने से समाज नहीं बदलेगा, व्यक्ति के बदलने से समाज बदलेगा, कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है समाज का, आपके घर का एक एक व्यक्ति, जिस प्रकार से घर का एक एक व्यक्ति उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, उस परिवार में उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से एक एक व्यक्ति की भी समाज में आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति भी समाज का एक एक अंग होता है, और समाज का एक एक अंग है तो समाज में उस एक एक व्यक्ति की महती भूमिका आवश्यक होती है, और समाज में जब एक एक व्यक्ति की महती भूमिका होती है तो वो समाज निश्चित उत्तरोत्तर विकास करता है, और समाज